तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर और आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा अलग तरह की बात बताने जा रहे हैं आपको, जो हर एक यूट्यूबर के साथ होता है। छोटा हो बड़ा हो, हर एक यूट्यूबर के साथ ये प्रॉब्लम्स आती है, तो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं। तो जैसे कि दोस्तों, हम कोई ब्लॉग बनाते हैं या शॉर्ट्स बनाते हैं, और ये आपको पता होगा कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो भी क्रिएटर्स हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता होती है कि व्यू मतलब ब्लॉग हो या फिर शॉर्ट्स हो, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और इतनी मेहनत के बाद अगर हमारे व्यूज़ ना जाएं, हमारा चैनल अच्छा ना चले, ग्रो ना करे, दिखाई ना दे ग्रो करता हुआ, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। इंसान ना चाहते हुए भी डीमोटिवेट हो ही जाता है। तो दोस्तों, हाँ, हम आपको बताएंगे कि डीमोटिवेट नहीं होना है, लगातार मेहनत करते जाना है। आप यहाँ तक आए हो वीडियो में, तो वीडियो को आगे तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, और ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली ये वीडियो है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप वीडियो बनाते हो तो पहली बार जब आपके व्यूज़ नहीं जा रहे, जिस चीज़ से आपको टेंशन हो रही है, जो चीज़ आपको लग रहा है कि ऐसा ऐसा है, मुझे नहीं बनाना चाहिए, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरा मन ही नहीं करता है, मन हट जाता है, सबका हट जाता है, आप लोगों का भी हट जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या करना है कि आपको वीडियोज़ तो पोस्ट करनी है, टाइम टू टाइम पोस्ट करनी है, सब कुछ करना है। आप जैसे वीडियो बनाते हो आपको वैसे वीडियो बनाती रहनी है, लेकिन आपको व्यूज़ पर ध्यान नहीं देना है। आपने पोस्ट कर दी, आपके 30 40 50 60 व्यूज़ भी आ गए ना, तो आप ये सोचिए कि मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए, बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ गए हमारे, ये सोचना है आपको। बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। आप व्यूज़ कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वीडियो डालते जाइए, आज व्यूज़ कम आएंगे, कल आएंगे, दो दिन और आएंगे, फिर एक ना एक दिन तो गए जैसा आएगा कि आपका जो मतलब मेहनत है वो आपकी रंग लाएगी। कोई भी चीज़ कितनी भी की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जैसे कि कभी भी पढ़ाई, करी हुई पढ़ाई जो होती है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, उसका लाभ आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में मिलता है। वैसे ही हमारा YouTube भी है, आप मेहनत करिए, आपको कहीं ना कहीं तो इसका लाभ ज़रूर मिलेगा, आप एक दिन ज़रूर सफल होगे। बस आप अपनी हिम्मत मत हारिए, डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होइए। तो दोस्तों, यही करना है आपको, व्यूज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने कंटेंट पर ध्यान देना है। आप अच्छे अच्छे कंटेंट कहाँ से लाओ, आप क्या सोचो क्या ना सोचो, आप कैसी वीडियोस बनाओ, कैसा क्या करो, आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि आपके व्यूज़ नहीं जा रहे, बल्कि आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि हम अच्छे से अच्छा कैसे करें, अच्छे से अच्छा कहाँ से करें। और जब आपका दिमाग अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा ना, तो ऑटोमेटिक आपकी वीडियोज़ अच्छी बनेंगी। लेकिन आपका अगर मन अच्छा नहीं होगा, आप अंदर से ही बेचैन होगे, तो आप कितना भी कुछ कर लो, आपकी वीडियोस अच्छी नहीं बनेगी, आपकी वीडियोस बिल्कुल बोरिंग सी होगी, कोई भी सस्पेंस नहीं लगेगा। और हाँ, वीडियो में अगर व्यूज़ चाहते हो तो आप लोग एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि आप लोगों को वीडियोज़ में सस्पेंस लाना है। सस्पेंस का मतलब हो गया, अब आपको सस्पेंस बनाना नहीं कि कैसे क्या करें जो सस्पेंस बने, नहीं, सस्पेंस बनाना नहीं है। आपको सस्पेंस ऑटोमेटिक मिलेगा जब आप वीडियो शूट करोगे, आप वीडियो बनाओगे, तो आपको समझ में आएगा कहाँ क्या सस्पेंस होगा, कहाँ क्या होना चाहिए। जैसे कि आप कोई नाटक देखते हो, कोई फिल्म देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो उसमें कोई चीज़ ऐसी आती है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है और वहीं पर रुक जाती है, ऐड आ जाता है, तो क्या होता है, उसको देखने के लिए लोग रुके रहते हैं, उसका ऐड ख़त्म होने का भी वेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से YouTube में भी है, अगर आपके ब्लॉग इंटरेस्टिंग है, सब कुछ है, तो आपको ना चाहते हुए भी लोग रुके रहेंगे, आपका इंटरेस्ट देखने के लिए रुके रहेंगे। तो दोस्तों, ये होता है कि अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, ब्लॉगिंग कैसे करें, कैसे ना करें, ठीक है। आपको अपने व्यूज़ पर ध्यान ही नहीं देना है, बस आपको जितने भी आ रहे हैं उसमें आपको यही कहना है कि ऑल इज़ वेल, ये अच्छा है, ये बहुत है मेरे लिए, जितनी हमने मेहनत करी ये बहुत है मेरे लिए। एक दिन ऐसे करते करते आपका इतना अच्छा हो जाएगा, इतने व्यूज़ आने लग जाएंगे, जब आप खुद को अपने आप को अच्छा समझोगे ना, जब आप खुद में अपनी क्वालिटी देखोगे ना, तभी सामने वाला दिखेगा। अगर आप अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे हो, कुछ भी नहीं हो आप, ऐसा लग रहा है आपको, तो सामने वाला आपको 1% भी इज्जत नहीं देगा। इसलिए खुद में अच्छा समझना, खुद में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया से पहले आपको खुद में अच्छा बनना है, खुद को अच्छा समझना है, तब जाके आपको सामने वाला अच्छा समझेगा। इसलिए
ये सारी फालतू की चीज़ें छोड़ दीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, व्यूज़ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सलन नहीं जा रहे हैं अब जाएंगे, अभी भी नहीं जा रहे हैं तो अब जाएंगे, ये सोचकर हर एक दिन अपनी वीडियो पोस्ट करनी है। और यकीन मानिए आपकी वीडियो जरूर आगे तक जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हैं, देखिए ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी, मुझे पता है मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मतलब अभी अभी मैंने न्यू चैनल ही बनाया है, तो मुझे पता है क्या क्या थॉट्स आते हैं। वीडियो नहीं चलता है तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है यार इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे व्यूज़ नहीं जा रहे, इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो सब कुछ करो इतनी मेहनत करो फिर हमारे व्यूज़ नहीं जा रहे, हमारी मेहनत सफल ही नहीं हो रही है, चलो हटाते हम नहीं बनाते हैं यार, क्या फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है कुछ क्या करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मन में आती हैं, उल्टे सीधे गलत वलत थॉट्स आने लग जाते हैं मन में, तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको अपने मन में नहीं लाना है। एक समय तक मैं भी बहुत लगती थी, बहुत ज़्यादा लाती थी, घर में रोती थी लड़ती थी झगड़ती थी, मेरा वीडियो ना चले तो मैं घर वालों पे गुस्सा निकालती थी, बहुत कुछ करती थी, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको अपने अंदर एक शक्ति बनाए रखनी है। दोस्तों आपका वीडियो नहीं चल रहा है आप उस पर ध्यान ही मत दो, आप नए वीडियो बनाओ, आप बस इस पर ध्यान दो कि हम जनता को कितने से अच्छी चीज़ें दे सकें, कितने से अच्छा कंटेंट दे सकें उनको, ऐसी क्या वीडियो बनाए, आज ऐसा क्या बनाए, कल ऐसा क्या बनाए, बस इस चीज़ पर आप ध्यान दो। आप ये मत सोचो कि नहीं चल रहा आप क्या करें ये क्या करें, इन सबको माइंड से हटा दो। अगर आप सोशल मीडिया पर आए हो तो मेरी एक बात कान खोल कर आप लोग सुन लो, अगर आप सोशल मीडिया पर आए हो तो आपको डीमोटिवेट तो गलती से भी नहीं होना है, आपको ये तो सोचना ही नहीं है कि मैं इनकी तरह नहीं बन सकता कभी, मैं अब ये नहीं कर सकता कभी, यह आपको गलती से भी अपने माइंड में लाना ही नहीं है। आपको हर पल हर समय बस यही सोचना है कि मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बस अपने आप को हमेशा दृढ़ बना कर रखना है, दिन रात बस सपने देखते जाना है कि आज ये है कल वो है, बस यही सब देखना है, डीमोटिवेशन कहीं से भी नहीं लाना है। बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ शक्ति बनाए रखो, अपना कैपेसिटी बनाए रखो, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो कि व्यूज़ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बस अपना बेस्ट देने में रहो, हमेशा बेस्ट देने की सोचो, कंटेंट अच्छे अच्छे लाओ, इसके अलावा आप कुछ भी मत सोचो, ठीक है। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो या कोई यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर लाती रहूँगी। हर रोज़ पर डे मेरे ब्लॉग आते हैं, एक सुबह 8 बजे आता है और एक शाम को 6 बजे आता है, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हमें फॉलो कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।